चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है लखनऊ एयरपोर्ट। और यहाँ से सिर्फ इंडिया के अंदर ही फ़्लाइट जाती है, बाहर कहीं के लिए जाने के लिए अलग दूसरी फ़्लाइट है। तो आइए अंदर चलते हैं। सारी चीज़ें और अब बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए हैं। चेकिंग हो गई, सामान चेक हो गया, सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास मिल चुका है और बस अब थोड़ी देर बैठ करके वेट करना है। वही यहाँ से 1:05 पर फ्लाइट उड़ेगी और मुंबई पहुँचा देगी 3:00। तो बस चलते हैं। अभी काफ़ी देर से प्लेन चल रहा है, बस कुछ देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं।
फाइनली मुंबई पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्लेन हिल रहा था क्योंकि आज काफ़ी मौसम ख़राब है और ये मुंबई में बाहर हैं एयरपोर्ट के, और यहाँ से चलते हैं, टैक्सी करते हैं। यहाँ से सांता क्रूज जाना है मुझे, सांता क्रूज वेस्ट। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, फाइनली पहुंच गया हूँ मैं अभी मुंबई, और यहाँ पर हूँ सांता क्रूज में, और यहाँ पर ये रूम है मेरा जो कि आप देखिए, ये पीछे टीवी लगी हुई है, एसी है, बाथरूम है, बेड है, मतलब सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ठीक है। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। बड़ा मतलब कि जिस टाइम प्लेन जो है वो ऊपर नीचे हो रहा था, बड़ा मज़ा भी आ रहा था, बहुत डर भी लगा मुझे, फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी आप प्लेन से सफ़र कर रहे हैं तो 2 घंटा पहले आप पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद फिर वहां बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर आपका जो लगेज है वो वहां पर वेट होगा, वेट होने के बाद वो अंदर चला जाएगा, फिर जब आप वापस आएंगे एयरपोर्ट पर, जहाँ भी जा रहे होंगे वहाँ पर वो फिर से वापस मिल जाता है। तो ये सब करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा पहले ही जाया जाता है तो वो अच्छा रहता है, वरना काफ़ी लेट, आदमी अगर लेट पहुंचता है तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, कुछ नया करते हुए, कुछ नया बनाते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।